ये मौसमी की एक बड़ी वधिया किस्म है। ठीक है, इन बहुत सारा फ्रूट लगता है। जो असं चाह भी पीने तो असं इलाची बाजार की नहीं वरते, असं वो वाले इलाची का पत्ता पा के लौंग का पत्ता पा के चाह बनाने वो और बड़ा वधिया टेस्ट आता और ऑरगैनिक बनती है। बूटे साढ़े को सारे अवेलेबल ने, इतने साढ़े को गन्ना है, अपना बीजा है, दो तरह का कमाद है। असं अपने वेखो देसी एक वेलना लाया रॉ कटने वास्ते। ठीक है ना, लोग बाजार की रॉ लेंगे ने, कुछ 20% रॉ होंगी है तो 60% बर्फ पाई होंगी। उस असी जी ये वेलना तुम देख रहे जी, गन्ने धो के कट के फिर रोह जी बनाई दी, अदकर नींबू और पुदीना पा के ये बहुत ही वधिया रोह बनती है। बाजार की गल छोड़ो, साडा घर च बाजार है, कुकर की वरतों करते हैं, एलमीनियम है, जिन्हें बर्तन है स्टील एलमीनियम, एलमीनियम का बहुत ज़्यादा रोल है साड़ी जिंदगी बीमार करने शरीर। पंजाबी लोग चैनल देख रहे सारे दसवां सागर जी, मैं तरन तरन पान कुमार गल करा जो के समय की, जो गल करिए बहुत ही एक महामारी दौर चल रहा जिन्हों कह दें आप कोरोना महामारी, जो कि लगातार पिछले साल के बहुत सारे इस कोरोना महामारी काफ़ी लोग अपने देश जाना गवा चुके हैं, कई लोग इस अपना नुकसान बहुत ही झल चुके हैं। लेकिन उस कोरोना महामारी बाद इस भारत देश में काफ़ी कमी आएगी, जब गल कर सकते हैं ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी तो बाद गल करिए लोगों ने बहुत सारे उपदेश संदेह दिए हैं कि लगातार आप रुखों में वध तो वध लगाया जाए ता जो आप अपने आने वाले भविख के बच्चों को आने वाले नसलों को बचा सकीए। लेकिन गल करांगे कितने कितने चीज़ देखने को मिली है कि बहुत सारे लोग ने जो कि अपने घर रुख तो लगाने चाहते हैं लेकिन उन्हें को जगह नहीं हैगी, लेकिन तरनतारण की गल करें तरनतारण एक ऐसा परिवार ऐसा एक घर मिले सानू जिथे वेख्या तो भांत भांत तरह के बूटे होर तरह ऑरगैनिक सब्जियां भी जो उस घर बीजी गई हैं, वह सब्जियां के संबंध बीजी गई हैं, जो फुल बूटे लगाए हैं कि पहले गल करने की कोशिश करें। इस वक्त डॉक्टर की नाम डॉक्टर हरमिंदर सिंह, डॉक्टर हरमिंदर सिंह साडे नाल इस पंजाबी लोग चैनल मौजूद गलबात करने की कोशिश करेंगे। सर तुम ज़्यादा उपराला किया घर में बहुत सारे आप रुख लगाए बूटे लगाए वेख्या जाए हर तरह का बूटा वा जिहड़ा कि ऑक्सीजन की कमी भी आता है, कोई सब्जियों की कमी भी आता, कोई कितने भी काम आ सकता है, किस भी साढ़े दर्शक दस दे किस संबंध बूटे लगाए तो की तुहाडी इह थ्योरी। सब तो पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद लोग चैनल का, लोग पंजाबी चैनल का जिन्होंने उपराला किया इस चीज़ को दर्शाने का। ठीक है जी, और बहुत सारे स्रोतियां का जिन्होंने सुनना है उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुसीं गल की जी फुलां बारे जां पौद्यां बारे गल कर रहे हो साडे नाल, सानू इस चीज़ का ना शौक बहुत ज़्यादा सी, मैनू और साडे सहयोगी जेई साहब ने जिहड़े अपना टाइम कढ़दे ने, अपनी ड्यूटी भी करते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं और इन्हां पौद्यां वल भी ध्यान देंदे ने। ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि साढ़े घर चंगे चंगे फुल खिले आन, चंगे बूटे आन, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिले सानू। हुण पिछे करोना दौर चलिया लोगों को भजना पई रही ऑक्सीजन वास्ते, पर साढ़े इतने बड़ा वधिया वातावरण रहा, साढ़े अलग अलग किसी कोई बीमारी नहीं फैली। ठीक है ना, सो यह साड़ी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, फुल पौधे ये साढ़े दोस्त मित्र भी ने, साडा मन भी खुश करते हैं, सानू डिप्रैशन तो दूर करते हैं। हर इंसान को चाहिए अपने घर में ग्रीनरी फुल बूटे पौधे लाने चाहिए और उन्हें सांभ संभाल करनी चाहिए। सर गल करेंगे फुल बूटिया की, लगातार बहुत ही खूबसूरत बूटे लगे हुए हैं, कई तरह के बूटे कुछ चलो आप जीवन वेखे भी नहीं जो भी इतने लगे हुए, दस सकते कि बूटे लगाए तो किस प्रकार काम आते जी? हाँ हाँ, असी जे गल करिए पौद्या की तो यह देखो सामने ये मौसमी की एक बड़ी वधिया किस्म है जी। ठीक है, इन बहुत सारा फ्रूट लगता और कभी फ्रूट खराब नहीं होता, इस गुण पाया जाता। हुण इधर आ जाओ तुसीं, साडे कोल इलाची का बूटा, एक दालचीनी का बूटा, एक लौंग का बूटा लाया गया। ठीक है, साढ़े मौसम के अनुकूल इन्हों फ्रूट नहीं लगता लेकिन इन्हों के पत्ते टहनियाँ पूरी तरह काम आदि ने। जे असं चाह भी पीने तो असं इलाची बाजार की नहीं वरते, असं वो वाले इलाची का पत्ता पा के लौंग का पत्ता पा के चाह बनाने वो और बड़ा वधिया टेस्ट आता और ऑरगैनिक बनती है। बाजार की आप चीज़ खरीदनी पता नहीं किहड़ा कैमिकल लगे कि लगे कि तरह बनाई जां किहदा स्टॉक किया जां किहड़ी दवाई ला के उन्हें स्टॉक किया बारे सानू पता नहीं हुंदा। लेकिन जिहड़ी ये चीज़ असीं वरतदे हां घरेलू सानू सैटिस्फैक्शन है, असीं सैटिस्फाई इस चीज़ तो भी असीं चंगी चीज़ लै रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख लें। बूटे साढ़े को सारे अवेलेबल ने, इतने साढ़े को गन्ना है, अपना बीजा है, दो तरह का कमाद है। असं अपने वेखो देसी एक वेलना लाया रॉ कटने वास्ते। ठीक है ना, लोग बाजार की रॉ लेंगे ने,
उस 20% रॉ होंगी है तो 60% बर्फ पाई होंगी उस ठीक है जी। हुण बर्फ किहड़े पानी तो बनती है, आपां घर फिल्टर का पानी यूज़ करते हैं, वो किहड़ा पानी वरते हैं, सफाई रखते नहीं रखते, असीं पीने भी रॉ पीन चलने हैं लेकिन सानूं पता नहीं भी जहर भी पीने नाल नाल। बिल्कुल गल करांगे एक होर आपां कि लगातार जो किसी तुम कहते जो बहुत सारे और तुम पौधे लगाए हैं जो कि अपने आर्गेनिक सीत तरह काम करते, अगर किसी ने लोड़ पै जाए किसी बूटे की जब किस तरह की कि आप उन्होंने सहयोग दें। बिल्कुल जी, सानू बहुत खुशी होगी जे कोई उत्साहित हो के ये चीज़ वेख के कोई चीज़ लेना चाहता साढ़े को जो अपने घर उगाना चाहता, असं उसका साथ भी देवे, उन्होंने बूटा भी देवे और उन्होंने दसा भी सामभ संभाल भी किमें करनी, असं आ जा रहे इस वास्ते। गल करा जय साहब वो सामने मजूर गल करा जिन्होंने घर में खड़े सर तीन कल सर तो रोह का वेखा विलना लाया वा ये बाजार वेखे रोह मिलती है ये की गुण है जी बाजार अपन रोह मिलती है ना वो एक तो गन्ने साफ नहीं करते वढ़न तो बाद बहुत कार्बन जी उत्ते लगी होंगी काली काली अं अपनी हाँ जी हाँ जी सीधे लाई जाते हैं एक मक्खियाँ वेखो बहुत ज्यादा होंगे असं जी येलना तुम देख रहे जी गन्ने धो के कट के फिर रोह जी बनाई दी अतकर नींबू और पुदीना पा के बहुत ही वधिया रोह बनती है ये जी इनफेक्शन नहीं करती पेट के जाके और ये बेनीफिट बहुत ज़्यादा रोह के जी आप बाजारों पीने बर्फ तुम डॉक्टर साहब ने दसिया वा भी वो इस तरह ही लोकली बनी जाती पानी तो पाई जाते हैं वह गला भी खराब करती है इम्यूनिटी भी घटाती है जिहड़ियां साढ़े को चीज़ा वरतते आर्गेनिक ये जिहड़ियां इम्यूनिटी बहुत वधाउंदियां। पहली गल तो बंदा बीमार होंदा नहीं जे माड़ा मोटा कोई आ भी जाए तो दवाई तो बगैर ही अपने आप ही जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत सारे रुख और फुल बूटे घर ढे लगे हुए हैं वेखे जाए तो खूबसूरत लाजवाब दिख रहे हैं लेकिन तुम अपने घर में एक छोटा जहा पिंड माहौल देता है वेखा जाए तो विलना भी लाया तुम वेखने और साग वाला भी बनाया पूरा अपना पंजाबी लोग विरसा संभाल के रखे है कि उपदेश दे लोगों के आने समय से आप इस तरह कि इन चीज़ों पर क्यों बचा सकी। आप जिस तरह बाजारा जो खाने तलिया चीज़ा वो बहुत ही घातक वा बहुत सारे लोग वह करके मोटापा या होर चीज़ों बीमार हो रहे हैं तुम्हें वेख्या अं जो साग भी बनाने जिदा पुराने समय से बनता ही तौड़ी बनाई दा वा तो चूल्हा लाया हुआ वा इस तरह तंदूर वा इस तरह ही साढ़े को होर जो चीज़ा वा पुरानिया वो सारिया अं संभाल के उस पैटर्न से करी जाने अं तो लोगों पब्लिक संदेश देना चाहवागे जिदा तंदूर या चूल्हा कोठे से रखा जा सकता जो साग बना आप उत्ते कोठे से सब कुछ करके कर सकते हैं अपन घर दियाँ बना के चीज़ा जिहड़ियां खाण तुम साग बनाया तुहानू कितें दिखावांगे वो इन्ना टेस्ट बनता जिहड़ा तौड़ी का साग वा जिहड़ा कि कदे अहीं उदां यूज करिए स्वाद आ ही नहीं रहा। दरअसल फास्ट फूड की गल कर लेंगे थोड़ी जी आप बाजारों के आम विकता विकता लोग खाते हैं लेकिन आप किवें लोगों को अवेयर करिए इन चीज़ों को बचने लिए जब आर्गेनिक सब्जियां वाल ध्यान देने हरी सब्जियां ध्यान देने जो हालात समझ आ रहे हैं जी। देखो मैं इस प्रोफेशन नाल संबंधित हाँ अजकल लोग बाजार की गल छोड़ो साडा घर च बाजार है कुकर की वरतों करते हैं अलमीनियम है जिन्हें बर्तन है स्टील अलमीनियम अलमीनियम का बहुत ज़्यादा रोल है साड़ी जिंदगी बीमार करने शरीर में ठीक है गल अजकल लोग कोई चीज़ बनाते जी मेरे साड़ पैंता मेरे जलन होंगी है मेरा लीवर फैटी हो गया 80% लोग लीवर के बीमार ने ठीक है पर जे लोग समझन थोड़ा जा ध्यान देन अलमीनियम छड़ के देसी बर्तन मिट्टी के बर्तन जिन्हों तौड़ी कुजा ठीक है जी गल ये चीज़ा बर्तन तो इतों बच जाता क्योंकि कैमिकल है कैमिकल ने अपना असर छड़ना ही छड़ना जो तुम बाजार की खाते तो बाजार की है कैमिकल स्वाद बनाने वास्ते अमोनिया पाउडर बहुत सारी वरतों होती हर पासे वेखो ठीक है पहला लोग कहते सी भी विआह करना जी रात को छोले भिओ दौ तो दिने पकन गए अजक हलवाई शाम आते हैं कहते सवेरे लियाओ जी 5 मिनट चल अमोनियम पाउडर पाँदे अमोनिया पाउडर तो छोले हर चीज़ तैयार हो जाए टेस्टी बनती सारे टेस्ट में जोड़ा वा वो टेस्ट जो जो असं अम्यूनियम पाउडर पा दें ना वो साढ़े जबान का जोड़ा एक टेस्ट का ग्लैंड है स्टिमुलेट कर देता सूँ बड़ा स्वाद लगता चीज़ बड़ी बड़ी टेस्टी बनी पर एक किस्म का जहर होंगे लोगों को बचना चाहिए इतों हमेशा घर की चीज़ खानी चाहिए है और देसी तरीके बनाई हुई खानी चाहिए और देसी बर्तन के खानी चाहिए है फिर आप बच सकते कोशिश कर लें गल जानकारी ले लें कि जेडे जेडे बूटे ने लगाए सर कि लगाए बूटे ये पुछे तुम कि बूटे एक लीची का बूटा तैयार हो रहा ये जो सा तेज पत्ता वा ये हिंग का बूटा लगाया हुआ वा ये जैसे वेखो नवे हम पुंग रहा वा पहले पत्ते झड़ गए वो साडा दालचीनी का बूटा है वा नाल ही साडा देखो इलाची का बूटा है उस तो बाद लौंग का बूटा भी है सारे अं जे मेडिसिन वाले बूटे रखे हुए हैं ये फलावर तुम देख रहे हो तो आखो जिदा साढ़े फैक्स वा ये बहुत सारा आक्सीजन देंगे तुम साढ़े घेरे घेरे दुआले दुआले वेखो जिहड़ियां आक्सीजन वाली चीज़ें है वो ही लगाई हुई दूजी कोई चीज़ नहीं लगाई जिहड़ा वातावरण शुद्ध करके आक्सीजन विलना लगाया करे गन्ने का रोह करे अपने प्योर इतों करे कटके पीते बाजारी रोह तो पीते ही नहीं बाजारी रोह ना खीर कदी बना लैके रोह बनाई है कई जी तो इतों तक अं गुड़ भी अपना घर ही तैयार कर लें तुम कमाद विखाने अपना क्ड के
ਗੁੜਾਪ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂਅਲ ਚਲਾਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂਅਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਮੜਾ ਸਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਮੈਨੂਅਲ ਕੋਲ ਚਾਹਦਾ ਪੈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 20 ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਣਾ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਡੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਰੱਖਦੀ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਲਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂਅਲ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਵਿਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਤਨ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ